आपका आ रहा है। डन, चल तो कोई बात नहीं, अभी हम हमारा वॉइस यहाँ से कनेक्ट होगा, वीडियो यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है, कोई बात यस। तो मोबाइल रख दीजिए आप नीचे, राइट, वहां पे आवाज नहीं आएगी तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से आवाज आएगी ना वहां पे म्यूट रहेगा तो चलेगा, राइट, ठीक, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो अभी एकदम क्लियर, राइट, आवाज यहाँ से कनेक्टेड है, वीडियो यहाँ से कनेक्ट। यस, तो अभी हम ये बोल रहे थे कि देखिए, राइट, राइमिंग मेथड में 30 को क्या बोलते हैं पता है आपको? रेमिंग में वो समय निमोनिक यूज कर लेता हूँ, ऐसे रेमिंग मेथड 1 से लेकर मैं 20 तक याद किया हूँ, उसके बाद 20 से लेकर 30 तक सेफ मेथड, और निमोनिक मेथड से तो मैं सभी सभी को याद करता हूँ, लेकिन इसको भी लेकर चलता हूँ। जैसे रेमिंग मेथड में हो गया, आप निमोनिक मेथड कौन सी बोल रहे हो? जैसे कि रेनबो के कलर है, यस, उसी उसी को निमोनिक मेथड बोलते हैं ना, जैसे कि ये है निमोनिक मेथड, नहीं फॉर वायलेट आई वो बी फॉर ब्लू है ना, ये है नहीं, वो तो निमोनिक जो सिस्टम होता है ना, जैसे डिजिट को लिखने का तरीका है, 0 को जेड एस और 1 को टी और डी, तो उसको मैं बहुत ज्यादा यूज। वो हाँ तो 1 को टी बोलते, वो तो पेग मेथड हुई, नहीं पेग नहीं, वो निमोनिक सिस्टम है, वो निमोनिक कोड। पेग कौन सी बताओ? पेग सिस्टम मतलब हो गया जो हम लोग एसोसिएट करते हैं ना, 1 को बोलते हैं 2 मतलब सुर, 3 को ट्री, उसको बोलते हैं पेग मेथड, थ्री को, तो वो तो रैमिंग हुई। हाँ रेमिंग को ही मतलब बोला जाता है पेग सिस्टम, तो उसमें शेप दे दिया जाता है चित्र का। अच्छा, रैमिंग और पेग आप एक ही बोल रहे हो? नहीं, रेमिंग और रेमिंग ऑफ फोनेटिक एक होता है, मतलब रेमिंग मतलब मिलता जुलता सब उसके ऐसा होना चाहिए, तो फोनेटिक उसे को बोलते हैं रेमिंग मेथड को, फोनेटिक मेथड। हाँ, और पेग मेथड मतलब क्या? मतलब बनी मॉडल मेथड, राइट? पेग मेथड मतलब उसमें जो किसी वस्तु को फोटोग्राफिक फॉर्म में चेंज करना, फोटो से लिंक करना। राइट राइट, ओके, और निमोनिक, वो निमोनिक कोड है, मतलब बहुत समय पहले जर्मनी के द्वारा निर्मित है, वो कोई जर्मनी के व्यक्ति थे, उसने बनाया था निमोनिक कोड, उसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब कोई भी डिजिट को याद करने में उसको। रेमिंग आप मतलब पेग सिस्टम से कितना याद कर सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 30-40 तक, लेकिन जो निमोनिक है वो 1 से लेकर मतलब बहुत सारे असंख्य डिजिट तक आप याद कर सकते हैं, और मैंने निमोनिक से ही मतलब वैल्यू ऑफ पाई का मतलब मोर देन 400 भी याद किया है। हाँ, यही है ना? हाँ, 3 को एम, 4 को आर। जे और सी एच, जे जी सी एच एस एच। ओके, तो ये निमोनिक कोड है, ये मतलब डिजिट को कन्वर्ट करके मतलब उसको शेप दे दिया जाता है, उसका पिक्चर दे दिया जाता है, तो इसे कोई विजुलाइज कर सकते हैं कोई वर्ड को, उसको चित्र के रूप में फिर कोई भी वर्ड बना सकते हैं उससे। तो आप ये एक आप शायद उनको जानते हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। हाँ, पता है, पता है। हाँ, तो उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 1 मिनट में 98 पुशअप करके, और दूसरा डेट ऑफ बर्थ, मतलब बहुत सारे लोगों को खड़ा करके डेट ऑफ बर्थ बहुत जल्दी याद करके सुनाए, तो उसमें भी उनका रिकॉर्ड बना हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति, उनका भी बुक है, उनका बुक में रखे हुए हूँ, अभी मेरे पास 3 बुक है उनका। हाँ, मैंने 3 बुक ऑर्डर किया था, वो भी टाइम मिलता है तो कभी कभी मैं इनकार कर पड़ता हूँ उसको, उसमें बताया गया है ये सब सारा मेथड, लेकिन बहुत बढ़िया है, अच्छा है आपका। ओके, तो ये सारी चीजें है ना, उसके बाद में स्टोरी मेथड, वो तो है एसोसिएशन लिंकिंग मेथड। हाँ, स्टोरी मेथड से तो मैंने तो पूरा लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट का मैंने सारा याद कर लिया है, वो तो 1 मिनट में किसी को आसानी से मैं उसको याद भी करवा सकता हूँ स्टोरी बनाकर। हाँ, जैसे कि मैंने भी लिस्ट किया, जैसे कि एक राजा नाम का एक आदमी था जो प्रसाद बांट रहा था, और उसके सामने राधा कृष्ण डांस कर रहे थे तबला बजाते हुए, एक झाकिर नाम का एक आदमी था जो बहुत हसीन दिखता था, राइट, तो उसके सामने 2 वीक के गिरी थे, गिरी मतलब पर्वत, राइट, और उस गिरी के ऊपर एक आलिया नाम का एक आलिया आलिया भट्ट जो है आलिया रहती, और वो जो आलिया है एक नीलम नाम की लड़की को छेड़ती थी, और वो नीलम रेड़ी के ऊपर बैठी थी, रेड़ा मतलब पता है आपको, बैल होता है, राइट, है ना,
रेडे कौन था बोलते हमारे यहाँ पे, तो रेडे के ऊपर बैठी थी और वो नीलम चली गई जेल के अंदर और जेल को दो थे सिंह, ठीक है राइट, जेल सिंह तो जेल के अंदर क्यों होती, तो जेल में मिले उन्हें वेंकट रमन भगवान, राइट वहां पे वेंकट रमन प्रेजेंट का नाम, फिर वेंकट रमन ने पूछा जाके शंकर भगवान से कि शंकर भगवान मेरे ऊपर दया करो, फिर शंकर भगवान शर्मा गए, शंकर दया शर्मा, और उन्हें बोला तुम जाओ नारायण के पास, नारायण क्या नारायण की एक हाथ में कलम जो हम लिखते हैं वो एक स्टैचू जिस एक प्रति नाम का स्टैचू था, प्रतिभा नाम का स्टैचू, प्रतिभा पाटिल राइट, और उसके प्राण चले गए स्वर्ग में, मतलब प्राण मतलब प्रणव जो कोविड की वैक्सीन लगाए थे रामनाथ कोविंद राइट, और उन्होंने सबको मुरमुरे खिलाए, हाँ मैंने इसको याद किया इस रूप में, मतलब पहला तो सबको याद रहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो मैंने दूसरा शुरू किया सबको याद रहता है फर्स्ट, तो दूसरा से मैंने याद किया कि एक लड़के का नाम विजुलाइज करवाएं कि लड़के का नाम राधा है, ठीक है राधा को हम क्या खिला रहे हैं, खीर खिला रहे हैं, मतलब कोई खीर खिला रहा है, तो मैंने पूछा क्या खिला रहा है, तो बोला खीर, तो वो खीर इस रूप में खिला रहा था उस सबको, मतलब मैंने कोई ट्यूशन में याद करवाया था कि वो जो व्यक्ति था ऐसा खिला रहा था कि सारा गाल उल में लगा दे रहा है, तो मैंने पूछा ये क्या कर रहा है, बोला सर आप नहीं जानते कि क्या कौन है मेरी, बोले कौन है, तो बोले मेरी बीवी है, मतलब बीवी मतलब बीवी गिरी, ठीक है, तो बोले कि बीवी है ऐसा खिलाएगी, तो सर आप नहीं जानते ये रेडी होकर, रेडी मतलब संजीवा रेडी, रेडी होकर कहाँ जाती है, तो बोले कहाँ जाती है, तो ज्ञान सीखने, ज्ञानी मतलब ज्ञानी देव सिंह, और ज्ञान सीखने कहाँ जाती है, तीन मंदिर राम शंकर नारायण के मंदिर जाती है, राम मतलब वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, और राम शंकर नारायण के नारायण के मंदिर जाती है, तीन हो गए यहाँ तक, फिर वहां से जब आती है तो मैंने पूछा कि मतलब रेडियो कर ज्ञान तीन मंदिर जाती है, राम शंकर नारायण के मंदिर जाती है, ठीक है वहां से जब आती है मैंने पूछा कि मतलब कल कहाँ जाना है, कल मतलब डॉक्टर कलाम कल कहाँ जाएगी, तो बोले प्रतिभा दिखाने मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कहाँ जाना है, तो रानी मतलब मुखर्जी नगर दिल्ली, तो इस तरह से मुखर्जी मतलब प्रणब मुखर्जी, और लास्ट का तो मतलब दो याद ही रहता है, अभी तो चेंज हो गया है द्रौपदी मुर्मू, तीस बुक में मतलब सारा याद हो जाता है स्टोरी के साथ। हाँ ये भी सही है, आपका भी सही है, हाँ। मैंने हर एक शब्द को स्पेसिफिक स्पेसिफिक बनाया, आपने तीनों को एक साथ जोड़ा है। हाँ मैंने डायरेक्ट मतलब कम शब्दों में ही जोड़ दिया मैंने, राम शंकर नारायण के मंदिर जाती है ज्ञान सीखने तैयार होकर, मैंने डिटेल में रखा है, सबके लिए अपना 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 यूनिक होता है, प्रत्येक लोग बनाएंगे तो प्रत्येक का अपना अपना बनेगा, अगर आप खुद से मतलब बनाकर याद करेंगे तो आपको वो हमेशा याद रहेगा, लॉन्ग टर्म याद रहेगा। हाँ वो किसी को मतलब आप अगर सुनेंगे तो उसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ सकता है, क्योंकि अपने अनुसार मैंने उसको ढाल लिया, क्या हाँ उसको भी मैंने याद कर लिया था, लेकिन अभी यूज नहीं आता हो तो 11 12th के लिए अभी मेरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने याद वो उसी मेथड से याद कर सकते हैं, और किया भी मैंने, जैसे निमोनिक से जैसे होता है ना 30 को याद करना है, एम एस मतलब महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी क्या हो गया है, उनको जंक लग गया है, तो जंक मतलब जिंक हो गया है इस रूप में।